अच्छा, अगर तो कोई तारीफ तहसीन आ रही है लड़की की तरफ से लड़के को कि यू आर अ लेडी किलर, यू आर सो हैंडसम माशाल्लाह, यू आर टॉम क्रूज और समथिंग लाइक दैट, ब्रैड पिट, बट द थिंग इज़ कि लड़का भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप से ज़्यादा तो कोई खूबसूरत नहीं जी। मुझे ये बात मैंने किसी डॉक्टर किसी आई थिंक जानने वाले हजरत ने बताई थी मुझे, क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं होता चीज़ों का, कि व्हेन अ बॉय यू नो सेज टू अ गर्ल डैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल, ही डजंट ओनली मीन डैट यू आर ब्यूटिफुल, बिहाइंड द लाइन्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, नॉट नेसेसरली डैट ही मीन्स डैट यू आर ब्यूटिफुल, मे बी ही वांट्स समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स फ्रॉम यू, सो दिस इज अ फैक्ट बिकॉज देयर इज हार्मोनल डिफरेंसेस बिटवीन द टू जेंडर्स, एंड औरत किसी और तरह सोचती है, इस पर किताब भी लिखी गई है, कई किताबें लिखी गई हैं, मर्द किसी और तरह सोचते हैं, तो औरतों को और मेरे ख्याल हज़रत यूसुफ़ की भी मिसाल है कि लड़कों को भी, लड़कियों को और लड़कों को अपनी बाउंड्री सेट करें, इल्म हासिल करें और अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें, ये भी नहीं कि कोई एक वो हॉरर एक कैरेक्टर बन जाए किसी के लिए, और ना ये कि कोई बात करते हुए आपसे डरे, कोई काम की भी बात करनी है, वर्किंग रिलेशनशिप तो थोड़ी बहुत मिनिमल जितनी रखनी होती है वो रखनी पड़ती है अगर कोई एजुकेशन ही है ज़्यादा इदारे। दूसरी बात ये है कि अपने आप को अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लें, और इस किसी तारीफ और तहसीन इससे बिल्कुल ग्लोरीफाई ना हो, और क्योंकि इसका कोई हासिल नहीं है। एक रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होगी आप के आमाल में वो लिखा जा रहा है कि ना महरम से आप रابطے में हैं, उसकी कोई हद नहीं होती। यह हदीस में सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आवाज़ मतलब कान का भी है कि आप किसी से अगर बातें भी कर रहे हैं, और जो पैकेजेस सालों से हमारे मुल्क में भी ये फितने चले हुए हैं कि फ्री कॉल करो और ये सब, आई मीन दिस इज रबिश ऑल दिस, तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है मजीद यूथ को, और कान में भी जो जा रहे हैं उसको कुरान हदीस में सॉरी हदीस में कहा गया कि वो ज़िना है, जो आवाज़ जो अच्छी लग रही है आपको अपोजिट जेंडर की वो भी उसके अंदर है, और हदीस कहती है और उसका जो मफहूम है कि ये सब चीज़ें जब आज़ा काम कर रहे होते हैं तो उसकी तस्दीक जो है ना फिर वो हो जाती है इलीगल रिलेशनशिप में। आई थिंक ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अगर एक दफ़ा हमारी यूथ में पैदा हो जाए ना। Excellent. और एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और तजर्बा है कि जब चाहे वो लड़का है या लड़की है, जब लोगों को पता होता है कि इस लड़की की कौन सी बाउंड्री है, जी यकीन करें आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है अल्लाह की तरफ से, और लोगों को भी पता होता है कि कहाँ तक जाना है। बिल्कुल सही, तो ये अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया। वेरी नाइस, आई मिस द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, जो बाउंड्रीज को सेट करना है ना, ये देखें इंसान ने खुद ही करना है मैम, ये तो अल्लाह ने हर इंसान को चॉइस दी है कि भाई कोई भी पाथ तुम चूज़ कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। तो आपने बार बार कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की है, उसमें स्पेसिफिकली आपको कैरेक्टर के क्या वीकनेसेस नज़र आती हैं आज के यूथ में, और वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तीन चार अगर आप स्पेसिफिकली नाम बता दें कि इस पे वो वर्किंग करें कैरेक्टर के हवाले से। देखिए एक दुआ मैं करती थी और अब भी मैं करती हूँ यंग एज में, ये अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरे बातिन को भी पाकीज़ा कर दीजिए और मेरे ज़ाहिर को भी पाकीज़ा कर दीजिए। उस वक्त मुझे इतना शऊर नहीं था, बस मैं जब नमाज़ पढ़ती थी मैं ये दुआ मांगा करती थी। तो अगर हमारे यूथ अल्लाह से ये बात करें और पाकीज़गी पहले तो इनर सेल्फ पे काम करें, अपने इनर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने ईमान को अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करें, वही सारी चीज़ें उनके बातिन में झलकेगी, उनकी गुफ्तगू में, उनकी ड्रेसिंग में मॉडस्टी नज़र आएगी, और ये चीज़ें जो है ना ये किसी के कहने से कभी नहीं होती या किसी के इम्पोज करने से नहीं होती। और मैं हमेशा यूथ को यही कहती हूँ कि जब तक आपके पास नॉलेज की बेस नहीं है, इल्म की बुनियाद नहीं है, आप अगर कोई काम कर भी लेंगे किसी के डर से तो उसका ना आपको फ़ायदा होगा
نہ کسی اور کو فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. صحیح. تو آئی تھنک ایٹریبیوٹس پھر سارے خود بخود چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ گرل کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہو سکتا, یا بوائے کو پتہ ہوتا ہے اس کا کوئی گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی. جی. اور یہ جو ہم پرانا ایک جملہ سنتے چلے آ رہے ہیں سالوں سے کہ وہ تو صرف میرا دوست ہے یا وہ تو صرف میری دوست ہے, آئی ڈونٹ بلیو ان دس, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہمارے خالق ہیں. ان کو پتہ ہے مشینری کون سی کہاں کام کر رہی ہے. تو آئی تھنک یہ جملے کہنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں. جی. یا ایک جو لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی آنکھ کا پردہ کافی ہے, یہ بھی بہت گھسی پٹی سی باتیں ہیں, بٹ آئی تھنک دیز آر پریویلنگ. تو آئی تھنک یہ سب کو اپنے اندر پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے. اسی حوالے سے انسان پھر میوزک سے بھی رکتا ہے. جی. اسی حوالے سے وہ سوچتا ہے وہ اللہ سے بھی کچھ بات کرے. اللہ سے ملاقات کی خواہش اس کے دل میں جاگے. اور آئی تھنک میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے نا, تو آپ خود ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں ڈوز اینڈ کہاں ڈونٹس. اور کوئی آپ کو بتائے نہیں بتائے, خود ہی تلاش کرتے ہیں اور خود ہی آپ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. جی, ویری کمپریہنسیو اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کریکٹر کا بڑا گہرا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, اور جب ایمان پہ ورکنگ آپ شروع کرتے ہیں, اور اس حوالے سے آئی تھنک یوتھ شوڈ ریسرچ کہ ایسے اعمال ایسے ڈیڈز جو ان کا ایمان بڑھائیں, اور ایسے ڈیڈز جو اوائڈ کرنے چاہیے جس سے ایمان ہٹ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ دس ول ورک ونڈرز فار دیم. آئی تھنک ان شاء اللہ آپ نے ماشاء اللہ اپنی مدر کی بات کی, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لمبی عمر زندگی دیں. انہوں نے ماشاء اللہ بڑا ایک رول پلے کیا آپ کے اس میں, آپ نے کہا. تو واٹ رول فیملیز کین پلے, فیملیز کو آپ کیا ایڈوائس کریں گی کہ ظاہر ہے ان کے بچے بچیوں نے, خصوصاً بچیوں نے یونیورسٹیز جانا تو ہے, تعلیم تو حاصل کرنی ہے, تو کیا وہ بیس ان کی بنا کر بھیجیں کہ بچیاں جو ہیں وہ سیلف اسٹیم بھی اپنی برقرار رکھیں اور اپنی ویلیوز کو بھی برقرار رکھیں؟ فیملیز کو کیا ایڈوائس آپ کریں گے؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ سب سے بڑا ادارہ جو تربیت کا ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں, گھر ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ادارہ, تعلیمی ادارہ. جی, میں اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتی ہوں. اور جو اس کے تیسری جو اس کی میرے خیال میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن صحبت, دوست وغیرہ, اطراف, انوائرمنٹ, جن لوگوں سے بچہ یا بچی مل رہی ہے. تو اگر پہلا ادارہ جو سب سے بنیادی ادارہ ہے پیرنٹس کا, اللہ